एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी 5.6 में। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति, कोण जिसे इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोण किसे कहते हैं, कोण के प्रकार कितने होते हैं, तो उनको मैं बनाना भी बताऊंगा। देखिए, कोण किसे कहते हैं? दो किरणों के मध्य झुकाव को हम कोण कहते हैं। दो किरण, जैसे देखिए, मान लीजिए सूर्य की एक रोशनी इधर से आई, आप टार्च जलाते हैं, एक रोशनी मान लीजिए आपने टार्च जलाया, रोशनी इधर से गई और आपका भाई जो है वो टार्च जला दिया यहाँ से और इस तरह से गई, तो ये जो बीच में ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम लोग कोण कहते हैं। यह दिख नहीं रहा हो तो मैं फिर बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप एक टार्च जलाए, रोशनी इस तरह से गई, और एक टार्च कोई दूसरा जलाया, रोशनी इस तरह से आई, तो इनके बीच में ये जो चीज़ें बन रही इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। यहाँ पर भी देखिए एक एंगल बनेगा और यहाँ पर भी एंगल बनेगा और यहाँ पर भी। अब इसी बात को अगर दो लाइन के माध्यम से समझा जाए कि दो, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दो लाइनों के मध्य झुकाव को हम कोण कहते हैं। मान लीजिए एक लाइन इस तरह से खींच दी गई और एक लाइन इस तरह से खींच दी गई, तो ये जो इनके अंदर कोण बन रहा है इसको भी हम एंगल बोलेंगे, और ये जो बाहर की चीज़ें बन रही हैं इसको भी हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। इनका नाम अलग है, ये आंतरिक एंगल है, ये क्या है? आंतरिक एंगल है, ये जो है आंतरिक एंगल है, और जबकि ये बाह्य क्या है? एंगल है, यानी ये बाह्य कोण है और ये अंदर का कोण है। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कोण के प्रकार। तो कोण निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला है आपका समकोण, जिसे इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं। दो किरणों के बीच 90 डिग्री कोण को हम समकोण कहते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर दो किरण है उनके बीच में अगर 90 डिग्री बन रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है? आपको पहले क्या करना है? एक लाइन इस तरह से खींच देनी है कि एक लाइन सीधी इसी तरह से एक लाइन खींचनी है। इस पॉइंट का नाम आपको ए रख देना है और ये जो पॉइंट है इसका नाम आपको बी रख देना है। अब आपको क्या करना है? ये देखिए, आपको एक आधार की तरह दिख रहा है, यानी जिसका कोई बेस हो। अब इसी पर आपको एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देनी है। हिंदी में इसे लंब बोलते हैं और इसे आधार बोलते हैं। क्या? आधार। इंग्लिश में इसी चीज़ को, आधार को बेस बोलते हैं और लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या? परपेंडिकुलर। तो आपको क्या करना है? एक आधार खींचना है, इसका नाम ए रखना है, इसका नाम बी, और इसका नाम आपको इस पॉइंट का सी रख देना है। आधार पर एक लाइन परपेंडिकुलर डाल देनी है। इनके बीच में ये जो एंगल बनेगा यही 90 डिग्री है और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग हिंदी में समकोण बोलते हैं, ये जो कोण बना है, और इसी को राइट एंगल बोलते हैं। अब आप देखिए, दूसरा है आपका न्यून कोण, जिसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। वह कोण जो एक समकोण से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। ये देखिए समकोण है, अब अगर इससे छोटा कोण बनाएंगे जैसे 70 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? वो आपको न्यून कोण कहलाएंगे। न्यून कोण बनाने के लिए आपको क्या करना है? पहले तो आपको एक सीधी रेखा इस तरह से खींचनी है, इस पॉइंट का नाम आपको ए रखना है और इस पॉइंट का नाम आपको बी रख देना है। अब आपको क्या करना है? आपको 90 डिग्री से छोटा कोण बनाना है, तो आप क्या करेंगे? इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। चाहे तो आप यहाँ से यहाँ एक लाइन ले जाइए या आप यहाँ से एक लाइन सीधे यहाँ पर मिला दीजिए और इस पॉइंट का नाम आप सी रख दीजिए। ये जो बीच में बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण। ये जो बीच में एंगल बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एसीयूटी, एक्यूट एंगल। तो देखिए, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। आपका तीसरा है अधिक कोण, जिसे इंग्लिश में ऑब्टूज एंगल बोलते हैं। वह कोण जो रिज कोण से छोटा तथा सम कोण से बड़ा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। देखिए, आप रिज कोण क्या होता है और सम कोण आपको मालूम है लेकिन रिज कोण आपको नहीं मालूम है। रिज कोण जो आपका है वो चौथा प्रकार है। तो वह कोण जो रिज कोण से छोटा होता है तथा सम कोण से बड़ा होता है तो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो आपको समकोण मालूम है कि समकोण किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि समकोण 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं? समकोण। तो आप इसी तरह से एक सीधी लाइन खींचिए, इस पॉइंट का नाम आप ए रख लीजिए और इस पॉइंट का नाम आपको बी रख लेना है।
सम कोण से क्या होगा, सम कोण से बड़ा होगा। तो अगर मैं सम कोण से बड़ा हमको बनाना होगा तो ये जो लाइन सीधी है इसको हम यहाँ से लाकर यहाँ मिलाएंगे। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ मिला दूंगा तो ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनेगा, यानी ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अधिक कोण कहलाएगा। इसी को इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल। तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर लिखा है एक चीज़ और कि रिज कोण से छोटा, रिज कोण जो है इसी के बाद मैं अभी बताऊँगा रिज कोण के बारे में, लेकिन यहाँ पर भी समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रा करिए और इस लाइन का, इस पॉइंट का नाम आपको ए रखना है और इस पॉइंट का नाम आपको बी रख देना है। रिज कोण देखिए कैसे बनता है, अगर मैं इसी लाइन के आगे एक लाइन और बढ़ा दूं और इसका पॉइंट सी कर दूं तो ये एक लाइन ए सी हो गया और ए ए बी हो गया, इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है यही आपका क्या कहलाएगा, रिज कोण कहलाएगा। इसी को हम लोग 180 डिग्री कहते हैं। तो आपका अधिक कोण जब भी होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि आपका अधिक कोण जो होगा सदैव इस तरह बनेगा। एक ऐसे लाइन खींचनी है आपको, इस तरह से हमेशा बनेंगे, ये कभी इससे बराबर नहीं होगा, सदैव इसके इस लाइन के ऊपर होंगे और इस लाइन वाली के इस साइड होंगे। तो यही आपके जो कोण बनेंगे यहाँ पर आपके क्या कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे। चौथा प्रकार आपके स्क्रीन पर आता हुआ, चौथा है आपका रिज कोण, इंग्लिश में इसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। वह कोण जो 180 डिग्री का होता है उसे रिज कोण कहते हैं। तो जब आप 180 डिग्री का कोण बनाएंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिज कोण, इंग्लिश में उसी को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो 180 डिग्री का कोण कैसे बनता है, तो देखिए आपको एक सीधी लाइन इस तरह से खींच लेनी है, इसका ये जो पॉइंट है इसका नाम ए रख दीजिए और ये जो पॉइंट है इसका नाम बी रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, ए पॉइंट से एक सीधी रेखा और इसी तरह से बढ़ा देनी है। अब ये जो पॉइंट है इसका नाम आपको सी रख देना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर एक लाइन ए बी आपको दिख रही है और यहाँ से एक लाइन आपको ए सी दिख रही है। तो इन्हीं पर जो ये एंगल बन रहा है इसी को हम लोग 180 डिग्री का कोण कहते हैं और 180 डिग्री के कोण को हम रिज कोण कहते हैं, इंग्लिश में इसे ही हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। देखिए एक कोण बनाने का ये ब्लैक बोर्ड पर इस तरह बनाए जाते हैं, लेकिन आप लोग समझिए एक सीधी लाइन अगर रेखा यह है अगर, तो इस पर देखिए इसे आप गोले में समझिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये अगर मैं इस गोले में एक लाइन इसी तरह खींच दूँ एक सीधी और मैं यहाँ से अगर ऐसे घुमाऊँगा इस लाइन को, यहाँ से घुमाते घुमाते इसे अगर मैं इस लाइन को सीधा कर दूंगा तो ये जो हमारे बीच में कोण बनेंगे यही हमारा 180 डिग्री का कोण होगा, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर या किताब पे समझाते वक्त इस तरह से आपको बताया जाता है। दूसरा है आपका पांचवा बृहत कोण, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से कम होता है उसे बृहत कोण कहते हैं। तो हमको क्या करना है, 180 डिग्री से बड़ा कोण बनाना है। तो 180 डिग्री से बड़ा कब बनेगा, जब आप एक सीधी लाइन इस तरह से खींचेंगे, इस पॉइंट का नाम ए रख देंगे, इस पॉइंट का नाम बी रख देंगे और अगर आप इसी पाही को सीधा बढ़ा देंगे तो 180 होगा, अगर उसी से ज़्यादा इधर कर देंगे तो ये जो कोण बनेगा ये आपका बृहत कोण कहलाएगा। इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, बृहत कोण। ये आप पॉइंट यहाँ पर जो है इसको सी मान लीजिए, यानी ए बी एक लाइन है और ए सी एक लाइन है, इनके बीच में जो ये कोण बना है इसी को हम लोग बृहत कोण कहते हैं। छठवां है आपका लास्ट संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, वह कोण जो 360 डिग्री का होता है उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक बात आपको दिख रहा होगा कि 360 डिग्री से कम भी होना चाहिए, तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। जब आप 360 डिग्री का कोण बनाना सीख जाएंगे तब आपको ये आसानी से चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए 360 डिग्री का कोण जहाँ पर बनता है वहीं पर 0 डिग्री का भी कोण बनता है। आपको क्या करना है, पहले मैं इस गोले के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए कोण जो है ये गोला है, यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दिया, इस लाइन का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम ए है और ये पॉइंट का नाम बी है।
अब देखिए 360 डिग्री का कोण कैसे बनता है। घड़ी देखिए आप कैसे घड़ी घूमती है। यहाँ से अगर ये घूमना सुई शुरू की, ऐसे घूमते घूमते ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर फिर जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर फिर ऐसे आ गई घूमते घूमते, यानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर फिर आ गई नाचते नाचते, ऐसे यहाँ पर शुरू की थी नाचते नाचते फिर ऐसे यहाँ पर आ गई। तो ये जो अब इसको आप मिटा दीजिए, ये जो कोण इसी पे बना है इसी को हम लोग 360 डिग्री कहते हैं। ये जो पूरा एंगल इस तरह आप देख रहे हैं यही 360 डिग्री है, इसी पर 0 डिग्री का कोण भी क्या होता है, बनता है। अब देखिए इसको आप बनाएंगे कैसे, आप एक सीधी लाइन इस तरह से खींच लेंगे और यहाँ से इसका इस पॉइंट का नाम ए रख देंगे और इस पॉइंट का नाम बी रख देंगे। यहाँ से एक एंगल ऐसे घुमा कर लाएंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे जहाँ से शुरू किए थे। तो ये जो एंगल बन रहा है यही क्या है, 360 डिग्री है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। संपूर्ण यानी पूरी तरह से देखिए ये घूम गया है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है संपूर्ण कोण। तो आशा करता हूँ आपको सभी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की, आपको ज़रूर मदद मिली होगी इससे समझने में। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।